हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप भी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। गाइस, आज का ये वीडियो काइंड ऑफ व्लॉग रहने वाला है एंड मैं फ़र्स्ट टाइम व्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो आप सपोर्ट करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आज का डे है संडे एंड आज मैं निकला हूँ, आप लोगों को बहुत सारा कुछ दिखाना है, तो आप वीडियो को एंड तक देखें। एंड अभी हम लोग चलते हैं, फ़िलहाल अपने एक फ्रेंड को पिक करते हैं, उसको भी साथ में लेके चलना है। एंड गाइज, मैं बिलोंग करता हूँ झारखंड जमशेदपुर से। अगर आप भी कोई जमशेदपुर से हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। सो गाइज, यहाँ पे कंटिन्यूसली 3 दिनों से बारिश हो रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे एरियाज़ में यार फ्लड आ चुका है एंड लोग काफ़ी परेशान हैं। जिनका घर थोड़ा सा डाउन वाला एरिया में है, वो लोग तो ज़्यादा परेशान है कल रात से ही। किसी किसी का तो ऑलमोस्ट फर्स्ट फ्लोर पूरा घर ही डूब चुका है, तो आज मैं आपको वो सब वीडियो में दिखाऊँगा, तो आप वीडियो को एंड तक देखें। अभी हम जा रहे हैं अपने एक दोस्त को पिकअप कर लेते हैं, वो भी साथ में जाएगा एंड मैं आपको उसका नाम बता देता हूँ, उससे इंट्रोड्यूस ज़रूर करवाऊँगा। सो उसको उठा लेते हैं, यहीं पे पास में ही उसका घर है, फिर हम लोग साथ में चलेंगे। एंड मैं आपको आज थोड़ा बहुत जमशेदपुर भी एक्सप्लोर करा दूँगा। काफ़ी अच्छा सिटी है यार, छोटा सा है बट काफ़ी अच्छा, नीट एंड क्लीन सिटी है। सो वीडियो में बने रहें एंड गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें 1K सब्सक्राइबर अचीव करने के लिए प्लीज़। तो भाई फाइनली हम लोग निकल चुके हैं सुधांशु को पिक करने के बाद। ये देखो, ये मेरा दोस्त है सुधांशु। तो भाई हम लोग कहाँ चल रहे हैं अभी? चलो पहले दो मुहानी चलते हैं। अच्छा, तो दो मुहानी कहाँ है व्यूअर्स को बता देते हैं। भाई एक्चुअली मरीन ड्राइव है एक, अगर जो लोग झारखंड से जमशेदपुर से है उनको तो आइडिया होगा, बट मैं ऐसे बता देता हूँ, यहाँ मरीन ड्राइव है तो उसके आगे एक दो मुहानी नाम का प्लेस है, जहाँ पे दो रिवर आके अटैच होता है एक साथ, तो वो दो मुहानी है। तो ड्यू टू कंटिन्यूसली बारिश हो रहा था यहाँ पे जो 2-3 दिन से, उसकी वजह से पानी का लेवल हाई हो गया है, तो आपको दिखाते हैं वहाँ पे कितना लेवल हाई हुआ है। एक्चुअली मैं भी नहीं देखा हूँ अभी, तो चलते हैं देखते हैं वहाँ क्या पोजिशन है। एंड और भी बहुत सारा एरियाज है डाउन में जहाँ पे बाढ़ आ चुका है ऑलमोस्ट, बट वहाँ तो जा सकते नहीं है, रोड ब्लॉक्ड है एंड कार लेके तो जा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। और ये जो अपना रोड है, ये डिमना रोड है, ये आपका स्ट्रेट में अभी आएगा मानगो पुल, मानगो ब्रिज आएगा, वहाँ भी पानी का लेवल दिखा, वहाँ पे भी आपको पानी का वाटर लेवल दिखाता हूँ। यार मतलब ये झारखंड में, बंगाल में एंड उड़ीसा में ना, ये 3 दिन से बारिश हुआ कंटिन्यूसली एंड चांडिल का डैम, उड़ीसा का डैम, ये सब सारे एक साथ खुल चुका है, तो उस वजह से यहाँ पे इतना लेवल हाई हुआ वाटर का, अदरवाइज नहीं होता। कभी कभी तो लगता है यार डैम मुसीबत ही है। और अभी तो यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, अदरवाइज आप जब भी यहाँ आओगे आपको ट्रैफिक मिलेगा। एंड गाइज, कार में भी एक दो मॉडिफिकेशन और रह गया जो मुझे कराना था, बट यहाँ बारिश हो रहा तो मैं उस वजह से करा नहीं पाया। एंड एक दो चीज़ तो मैं ऑर्डर करके रखा हूँ, जो आ भी गया है उसको पेंट भी करवाना है, उसके बाद मैं इंस्टॉल करवाऊँगा, वो सरप्राइज़ है, वो जब मैं करवाऊँगा तब आपको दिखाऊँगा। एंड फिर फाइनली अपना अलॉय का रह गया, वो भी कुछ दिन में लग ही जाएगा, प्लान कर रहा हूँ। एक्चुअली यार अलॉय पार्ट ना थोड़ा कॉस्टली है, तो इस वजह से मैं वेट कर रहा था। एंड मुझे ऐसा लोकल कोई चाइनीज़ में जाना नहीं है, कोई अच्छा ही ब्रांड पे जाऊंगा, इसलिए मैं वेट कर रहा था। एंड टायर भी अब साइज कराना है, अब तो चल चुका है 7000 किलोमीटर, तो ये वाला टायर का तो एक्सचेंज मुझे ज़्यादा मिलेगा भी नहीं, बस देखते हैं ट्राई करते हैं। और अभी टाइम हो चुका है अप्रॉक्स 4 बजने वाला है, सो चलते हैं, वीडियो को एंड तक देखें गाइज। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, 1000 सब्सक्राइबर अचीव करने में हेल्प करें। ये वाला जो एरिया है ना गाइस, यहाँ पे आपका सब्जी वेजिटेबल शॉप है एंड बहुत सारा यहाँ पे आपको मिलेगा सामान, तो ये भी काइंड ऑफ मार्केट ही है यहाँ का फुटपाथ वाला। अभी हम लोग मानगो ब्रिज पहुँचने वाले हैं, वहाँ पे मैं तो कैमरा थोड़ा देर ऑफ कर दूंगा, अदरवाइज चेक पोस्ट है वहाँ पे।
एंड गाइज, आपको किस टाइप का कंटेंट चाहिए आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। कौन सी कार का मॉडिफिकेशन चाहिए वो मैं आपके लिए वीडियो अरेंज करूँगा, मैं ट्राई करूँगा वो वीडियो आपको दे सकूँ। सो आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको कौन सा वीडियो देखना है, मतलब कौन सा कंटेंट देखना है, मॉडिफिकेशन भी चाहिए तो कौन सी कार पे चाहिए। बिकॉज बड़े बड़े सिटी में तो काम ऑलमोस्ट हो जाता है, बट जमशेदपुर कार की मॉडिफिकेशन के मामले में उतना आगे नहीं है, तो उस वजह से मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा काम हो ही जाता है, बट आपको वो पार्ट्स अवेलेबल नहीं रहता तो ऑर्डर करना पड़ता है एंड ऑल। तो ठीक है, मैं अरेंज करूँगा। आपको कौन सी मॉडिफिकेशन चाहिए, किस कार पे, आप मुझे कमेंट करके बताना। गाइस, यहाँ पे लेवल नहीं रहता था पानी का, बट ये काफ़ी बढ़ चुका है, ऑलमोस्ट इससे 3 गुना नीचे रहता था लेवल। बट देखो अब कितना प्रेशर में पानी आ रहा है और कितना लेवल बढ़ गया। यहाँ सारे लोग का भीड़ है वाटर लेवल देखने के लिए। यहाँ पे ये चीज़ बहुत गलत है गाइस। देखो अब ये सिटी के अंदर से भी इतनी हेवी ट्रक जाता है, देखो आप। और पता है इसकी वजह से इतना ट्रैफिक रहता है यार, यहाँ पे किसी को इमरजेंसी में अगर जाना हो तो बंदा तो बेचारा फंस जाए। एक्चुअली यहाँ पे एक ओवर ब्रिज का नीड है, बट पता नहीं गवर्नमेंट क्यों नहीं बनाती है, बनाना चाहिए यार। किसी को इमरजेंसी में जाना हो, इवन एम्बुलेंस भी यहाँ पे कभी कभी स्ट्रक हो जाता है ट्रैफिक में। होपफुली जल्दी बन जाए। देखो अभी छोटा सा गोल चक्कर है यहाँ पे, और ये मेन एरिया है, यहाँ से तो सबको क्रॉस होना ही है अगर जिसको सांची के साइड जाना है। और ब्रिज भी यहाँ पे एक ही, एक और दो ब्रिज है तो वो बहुत दूर में है। गाइज ये वाला गोल चक्कर के बाद अब ये आ गया है हमारा मरीन ड्राइव। तो ये अपना मरीन ड्राइव आ गए, अब इसके जस्ट 2-3 किलोमीटर जाएंगे तो उसके बाद है अपना वो धुमानी वाली जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ से अब मैं टाइम लैप्स लगा देता हूँ, आप देखो। भाई यहाँ पे आप भीड़ देखो यार, कितना है, सबको ये देखने आया है वाटर लेवल कितना बढ़ चुका है। कुछ लोग एंजॉय करते हैं और किसी का घर भूल जाता है। चलो आपको दिखाता हूँ कैसा है। और हम लोग कार अपनी वहाँ पे पार्क किए हैं, ये देखो यहाँ पे अपना बैठने का भी स्पेस है, आप फैमिली के साथ या फिर अपने पार्टनर के साथ आ सकते हैं। और ये रेस्टोरेंट है यहाँ पे, देखो वहाँ पे रेस्टोरेंट, और ये अपना मंदिर भी है यहाँ पे। और चलते हैं, देखो यार यहाँ पे कितना क्राउड है, आज सब कोई आया है। ये देखो गाइस, फाइनली अपना लोकेशन पे पहुँच गया गाइस। एंड यहाँ पे आप क्राउड देख सकते हो, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए यार, ये फ्लड देखने के लिए, वाटर लेवल जो इंक्रीज़ हो गया उसको देखने के लिए। एंड सेल्फी भी ले रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली आज संडे भी है तो और भी ज़्यादा क्राउड है। अब देखो ये लोकेशन कितना अच्छा है। एंड इसको दो मुहानी इसलिए नाम दिया गया क्योंकि देखो दो साइड से रिवर आके एक साइड पे मर्ज हो रहा है, इसलिए इसको दो मुहानी नाम दिया गया है। एंड ये नया स्टाइल देखो गाइस, इसका दोनों लेस खुला हुआ है, बोलता है स्टाइल है। ये देखो एक स्ट्रीट से आ रहा है और एक लेफ्ट से आ रहा है, दोनों राइट में मर्ज हो रहा है। एंड यहाँ पे नीचे बहुत सारा स्टेप्स है गाइस, वो सारा डूब चुका है क्योंकि पानी का लेवल इतना राइज हो चुका है, वो सारा डूब गया है। ये आगे ब्रिज है, अभी इस पर भी पानी टच होने वाला है। नॉर्मल डेज पे इससे बहुत डाउन में रहता है पानी, बट अभी टच होने वाला है। एंड ये लोग को देखो, ये वहाँ पर फिशिंग कर रहे हैं यार, इतना फ्लो में नहीं करना चाहिए, सेफ़ नहीं है, बट ये लोग का हैबिट है, चलेगा, ये लोग कर लेते हैं। व्यू काफ़ी अच्छा है गाइस। एंड आज संडे भी है तो यहाँ पे और भी ज़्यादा क्राउड है। एंड गाइस यहाँ पे आप नॉर्मल डेज पे आ सकते हो फैमिली के साथ और अकेले भी, बहुत सही प्लेस है यार, कोई ऐसा इशू नहीं है, यहाँ पे लोग आते हैं।
एंड मैं आपको दिखाता हूँ रोड से कितना डाउन में हूँ मैं। ये देखो ये रोड कितना हाइट पे है एंड यहाँ पे बहुत सारा स्टेप्स है गाइज, अप्रॉक्स 40-50 होगा, वो सारा डूब चुका है। देखो गाइज यहाँ पे स्टेप्स था वो सारा डूब चुका है। यहाँ से व्यू देखो आप, देखो यहाँ पे बहुत सारा सारा। देखो ये फिशिंग कर रहा है, ये देखो गाइस। ये सुनारी एरिया है, ये कैसे डूब चुका है देखो, देखो ये सब सारा फ्लैट्स है, ये देखो कैसे डूब गया है। और ये ऑटो देखो, ये ऑटो आधा डूब गया है। एंड जैसे कि लोग कह रहे हैं कि अभी जस्ट 1-2 घंटा पहले ही पानी का लेवल कम हुआ, अदरवाइज ये देखो ये जो निशान है ना ये इतने तक, देखो यार कितना। और ये छोटा छोटा जो ये घर है ये तो, ये बेचारे लोग का घर तो पूरा ही डूब गया था, बट अभी होपफुली पानी कम हो रहा है। बहुत अच्छा है यार, कम होना ही चाहिए, अदरवाइज ये लोग का हेल्प कौन करेगा। देखो ये सब सारा फ्लैट्स है, देखो सब छत पे खड़े होकर देख रहे हैं। देखो ये ऑटो कितना अंदर चला गया, ये पूरा फुल पानी में डूब चुका था, बट अभी 1.5 घंटा पहले ही पानी कम हुआ है तो फिर ये थोड़ा सा लेवल डाउन हुआ है, तो ये ऑटो आपको दिख रहा है, अदरवाइज ये सुबह तक विजिबल भी नहीं था। देखो सब ये लोग बेचारे बेस्टर बेस्ट खड़े हुए हैं, देखो ये पूरा डूब चुका है। और भी यार बस ये फिर से मैं सूट नहीं कर पा रहा हूँ। तो गाइज यहाँ पे इतने सारे लोग आए यार, कुछ लोग तो यहाँ पे देखने भी आए और कुछ लोग यार मदद करने भी आए हैं। बिकॉज नीचे जो लोग फंसे यार सुबह से, वो लोग कल से कुछ खाए वाए नहीं है, किसी के घर में पता नहीं खाने के लिए भी है कि नहीं, तो जिनसे जो हो पा रहा वो उनकी हेल्प कर रहे हैं। सो गाइज आपको तो मैंने वीडियो में सारा कुछ दिखाई दिया है एंड अब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, पानी का लेवल डाउन जा रहा है। तो अब वीडियो को एंड करते हैं। इस फ़ोन का बैटरी भी लो क्या है, और भी मुझे बहुत कुछ दिखाना था बट यार मैं फ़ोन चार्ज करना भूल गया था तो बैटरी ही लो हो गया। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन गुड बाय।